हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमीवे के बारे में। और एमीवे कल लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में और उन्होंने बात करी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बारे में और थोड़े नाराज दिखे उस लाइव में। और उन्होंने एक मैसेज दिया है अपकमिंग रैपर्स को और जितने भी रैपर्स अभी हैं इंडस्ट्री में उनको। इसके अलावा अपन बात करेंगे मुफाड़ के अपकमिंग सॉन्ग के बारे में, जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है तो वो कब आउट होने वाला है। और आखिरी में बात करेंगे बियर्ड गैंग के बारे में और बियर्ड गैंग की तरफ से एक और डिस्ट्रैक आ सकता है जो कि होगा कृष्णा के लिए। तो ये सारी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को देखना एकदम एंड तक। तो पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है शेटी शाह की तरफ से। तो दोस्तों, शेटी शाह ने अपने इंस्टाग्राम में क्यू एन ए रखा था और उस क्यू एन ए में एक बंदे ने उनसे पूछा एमटीवी हसल फाइनल में क्यों नहीं आया था भाई। तो उसका रिप्लाई दिया शेटी शाह ने, बहुत सारे राज अभी खोलना बाकी है ब्रो, और हैशटैग चाइनीज ब्रो लिखा हुआ है। तो शायद कुछ अनबन हो सकती है एमटीवी हसल और शेटी शाह के बीच में। तो अगर आगे कुछ शेटी शाह बताते हैं इस चीज़ के बारे में तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, अभी कुछ भी परसेप्शन नहीं बना सकते हैं। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है इनसेन और बियर्ड गैंग की तरफ से। तो दोस्तों, बियर्ड गैंग एक और डिस्ट्रैक्ट निकाल सकती है जो कि होगा कृष्णा के लिए और गाने का नेम होने वाला है क्या बोला तू कमिंग सून, और टैग किया गया है बियर्ड गैंग को। तो ऐसा लग रहा है टाइटल से देख के कि एक डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। अब पता नहीं है किसके लिए होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कृष्णा के लिए होने वाला है, बाकी देखते हैं। जब भी आएगा अपन इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो अगली अपडेट आ रही है मुफाड़ की तरफ से। तो दोस्तों, मुफाड़ ने अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज डाली और वो स्टोरीज के थ्रू उन्होंने अपने नेक्स्ट ट्रैक की अनाउंसमेंट कर दिया है और गाने का नेम है माँ कसम और नीचे लिखा हुआ है ड्रॉपिंग सून, उसके बाद एलान ईपी। तो इस गाने के आउट होने के जस्ट कुछ दिनों बाद एलान ईपी आप लोग को देखने को मिल जाएगी, जो कि शायद इस बीफ के कारण थोड़ी डिले हो गई पर हाइप भी मिल गई उसको अच्छी खासी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 3 गाने होने वाले इस ईपी में और आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे इस ईपी का पोस्टर। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मुफाड़ ने अपने इंस्टाग्राम से ये पोस्ट डिलीट कर दिया है, मेरे पास पहले से था इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब ये कन्फर्म नहीं है कि यही 3 गाने होंगे इस ईपी में, कुछ चेंजेस कर सकते हैं मुफाड़। तो अगर कुछ अपडेट आती है इस ईपी से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और हाँ, ये कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं है, ये चीज़ खुद मुफाड़ ने क्लियर करी है। तो आप लोग देख सकते हो माँ कसम एंड नो डेस नॉट इवन अ सिंगल ट्रैक कमिंग योर वे टारगेट्स एनी गुड फॉर नथिंग पर्सन एवरी ट्रैक विल बी एन उड़ता तीर हैशटैग लेगा क्या। तो स्टोरी में मुफाड़ कहना चाह रहे हैं कि जो माँ कसम है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं है और इसके बाद से कोई सा भी अगर ट्रैक आता है तो वो डिस नहीं होगा, बस एक उड़ता तीर होगा जो कोई भी आर्टिस्ट ले सकता है, मतलब छेड़ने वाले आर्टिस्टों को। अब जिसको उस चीज़ से तकलीफ होगी वो डिस ट्रैक निकालेगा और उसके बाद से मुफाड़ उसको शायद रिप्लाई भी देंगे। तो यही चीज़ मुफाड़ कहना चाह रहे हैं और जो भी मुफाड़ की प्रजा है वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ होगी। तो अगली अपडेट आ रही है किंग की तरफ से। तो दोस्तों, किंग जो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करी थी उस लाइव में, जो कि थी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिर कहे तो पंजाबी रैप म्यूज़िक इंडस्ट्री, जिसमें बहुत ही अच्छे रैपर्स हैं और कमर्शियली भी वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं वो ट्रेंड भी करते रहते हैं यूट्यूब पे। तो किंग ने उस लाइव में बात करी डिस्ट्रैक्स के बारे में और पंजाबी रैप इंडस्ट्री में भी डिस्ट्रैक्स आते हैं, डिस करते हैं एक दूसरे को पर इतने फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं और रीजंस के साथ करते हैं सबसे ज़रूरी बात। और जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि दिल्ली सीन में खतरनाक डिस गेम चल रहा है, तो उसी चीज के ऊपर किंग का क्या कहना है आप सुन सकते हो उनके मुंह से। मैं जितना जानता हूं देसी हिप हॉप जो चल रहा है ना आज की डेट में वो मूसे वाला, करण औजला, ठीक है, वो कर रहे हैं देसी हिप हॉप, कुछ नया हिप हॉप कर रहे हैं वो लोग। तो इतने बड़े बड़े लेवल पे ना इतनी इतनी चीज आती है, बट वो एक दूसरे को नहीं डिस करते, एक दूसरे को गाली नहीं बकते। उसका रीजन पता है क्या? वो लोग भरे, कहते हैं ना खाली बर्तन खनकता है और भरा बर्तन, वो सारे भरे बर्तन है, वो इसलिए एक दूसरे को नहीं, क्योंकि दूसरे बंदे की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी उनकी है, तो इसलिए एक दूसरे को नहीं कहते। और कई बड़ी बीफ तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर कई बड़ी बीफ जो इंडस्ट्री में हुई है उनमें भी कभी डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता। तो ये होता है समझदार आर्टिस्ट का काम। तो आप लोग की इस चीज़ पे क्या राय है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे सही लग रहे किंग के पॉइंट, अब आप लोगों का क्या कहना है बताओ नीचे। तो अगली अपडेट आ रही है एमीवे बंटाई की तरफ से। तो दोस्तों, एमीवे बंटाई लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में और उन्होंने कुछ स्टोरीज भी डाली जिसमें वो थोड़े से नाराज़ दिखे, और वो नाराज़ किस पे थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर जो शोज और कॉन्सर्ट्स कराते हैं उनके ऊपर। और नाराज़गी का रीज़न था हॉस्पिटैलिटी, मींस कोई आर्टिस्ट अगर कहीं शो करने जा रहा है तो उसका ख्याल कैसे रखा जा रहा है, वो पूरी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की रहती है और उसी कारण से एमीवे लाइव आए थे। तो आप लोग खुद सुन सकते हो उनके मुँह से कि उनका क्या कहना है। तो कल का इवेंट नहीं होने वाला है क्योंकि मैं नहीं आने वाला हूँ वहाँ पे, बाकी वो इवेंट होगा शायद, बट मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे बिकॉज ये मैसेज मेरे सारे स्पेशली ऑर्गेनाइजर लोग के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजर हो बात को ध्यान में रखो, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करो, उसकी टीम को रिस्पेक्ट करो, और
अगर तुम आर्टिस्ट और उसकी टीम को रेस्पेक्ट करोगे और प्यार दोगे तो तुम्हारा इवेंट भी हार्ड होगा, सब कुछ अच्छा होगा और हम भी अच्छे से आएंगे, अपना परफॉर्म करेंगे और जाएंगे। बट आर्टिस्ट का डिमांड पूरा करना बहुत जरूरी चीज है जो कि ऑर्गेनाइजर को दिमाग में रखना चाहिए तुम किसी का इवेंट कर रहे हो तो। और बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें है बट मैं छोटा में सिंपल में ही खत्म करूंगा। वही हॉस्पिटैलिटी में भी सीन किया वो लोगों ने, इवेंट्स वालों ने, हॉस्पिटैलिटी पे सीन है और हिप हॉप सीन ने काफी साल से हम लोग जो भी करते आ रहे हैं जितने भी साल से काफी एडजस्ट किया हम लोगों ने, बट लेकिन अभी सीन इज अप, द टाइम इज अप। सो मेरे हिसाब से उतना ही आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और उसके जितने भी डिमांड्स है वो पूरे होने चाहिए। एंड मैं तो बोलूंगा सारे हिप हॉप रैप आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट लोग हो, अगर आप कहीं पे भी इवेंट करे हो, शोज करे हो, कीप योर डिमांड रखो अपने और अपने डिमांड पूरे होने तक इवेंट्स मत करो, बिकॉज मेरे हिसाब से पब्लिक का फायदा उठाया जा रहा है और ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, मजा नहीं है कुछ इस चीज में। मेरे हिसाब से डिमांड पूरी करो आर्टिस्ट की, बिकॉज आर्टिस्ट है तो आपके इवेंट्स होते हैं और स्पेशली फैंस आते हैं वहां पे हमारे म्यूजिक सुनने के लिए। तो ऑर्गेनाइजर्स दिमाग में बात रखो इससे कि आर्टिस्ट की डिमांड्स पूरे करो और एटलीस्ट हॉस्पिटैलिटी तो सिंपल सी चीज है यार आर्टिस्ट के लिए एटलीस्ट, बट एडजस्ट करने वाला सीन बिल्कुल नहीं है। और इस टॉपिक को लेके एमी वे दूसरी बार ये लाइव आ रहे हैं, इससे पहले वो लाइव आए थे जिसमें उन्होंने बात करी थी कि ऑर्गेनाइजर जो है वो स्टेज पे आके खुद डांस करने लग गया था और बदतमीजी कर रहा था एक तरीके से आर्टिस्ट के साथ में। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है तो पहला गाना जो है उसका नाम है फ्रॉम द स्ट्रीट्स बाय थोराट। तो अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने सुन लिया है, मुझे अच्छा लगा है गाना, वर्सेस मुझे पसंद आया पर हुक मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा है और अच्छा हो सकता था, या फिर म्यूज़िक के कारण थोड़ा सा लग रहा है, पर जो बीट है वो फ्लैम बॉय की है, काफ़ी अच्छी है पर थोड़ी मिक्सिंग में गड़बड़ लग रही थी, बाकी गाना परफेक्ट है, ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के साथ में आया है। तो अगला गाना जो है उसका नाम है 100 रीजंस बाय दीप हॉक्स फीचरिंग इंडीड बीट्स। तो ये गाना भी आप लोग जाके सुन सकते हो, मुझे काफ़ी पसंद आया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और लिरिक्स काफ़ी अच्छे लिखे भाई ने। तो जाओ सुनो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस गाने का और अच्छा गाना है, सपोर्ट करना भाई को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।